आज मैं जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी की तरफ से है। तो देख लेते हैं क्या है वो प्रोडक्ट। तो ये है, आपके सामने आ चुका है, ये है डॉक्टर ट्रस्ट प्लेटिनम रिचार्जेबल वेइंग स्केल। सीधे भाषा में कहूँ तो एक वेट मशीन है और ये एक रिचार्जेबल वेट मशीन है। ये वैसी नहीं है जिसे कि हम देखते हैं कि इसमें बैटरी डालते हैं और फिर वो काम करती है, जिसमें हम सेल डालते हैं वो काम करते हैं, वो नहीं है ये। ये एक अलग तरीके की वेट मशीन है, इसे आपको चलाने के लिए चार्ज करना पड़ेगा उसी तरह से जिस तरह से आप अपने फोन को चार्ज करते हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि मैं पहले भी अपने चैनल पे दो वेट मशीन्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर चुका हूँ, तो आप उन्हें भी जाके आप देख सकते हैं और साथ ही में आप इस वीडियो को भी देख लें और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। आप इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए हुए, जिससे मैं आपको बता सकूं कि क्या है इसकी प्राइस, क्या है इसकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस और क्या आपको इस वेट मशीन को परचेज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो इन सब बातों को जानने के लिए एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिया जाए, जिससे कि आप समझ सकें कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मैं आपके लिए गैजेट्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को अब स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये है वो वेट मशीन का बॉक्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर यूएसबी इंक्लूडेड है और साथ ही में जो इसकी बैटरी कैपेसिटी भी यहाँ पर दे रखी है वो है 500 mAh। काफी कम लग रही है इसे देखने में, लेकिन आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये आपके फोन की तरह नहीं है जो कि हमेशा काम आए, ये आपको कभी कभार काम में लेना होता है, तो आप इसे चार्ज करके रख लीजिए और फिर आप इसे काम में ले लीजिए। साथ ही में इसमें एक और खासियत है कि टेम्परेचर भी डिस्प्ले करती है, ठीक है। तो बहुत कम वेट मशीन्स में ऐसा होता है, लेकिन इसमें है कि ये टेम्परेचर को भी डिस्प्ले करती है। तो चलिए अब मैं आपको इसे ओपन करके बता देता हूँ और उससे पहले एक और बात, इसकी कुछ पीछे भी देख लें बॉक्स के अगर हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि इसका खुद का वेट दे रखा है 1.54 kg, तो काफी हल्की है। और यहाँ पर जो इसकी MRP दे रखी है वो है 3200 रुपए, जो कि डेफिनेटली काफी ज्यादा है, इससे काफी कम में आपको ये प्रोवाइड हो जाएगी। और साथ ही में जो इसका मंथ और ईयर लिखा हुआ है इम्पोर्ट का, वो भी आप देख सकते हैं, और साथ ही में कुछ और भी चीजें लिखी हुई है, मॉडल नंबर और ये लाइसेंस नंबर वगैरह, ये भी आप देख सकते हैं। और ये है डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी की तरफ से, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक न्यूरेका यूएसए की है ये कंपनी ऐसे बेसिकली, और फिर यहाँ पर शायद तक इसका डॉक्टर ट्रस्ट है नाम जो भी है, मेरे को इसका ज्यादा पता नहीं है, बाकी आप देख सकते हैं। और इनका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह वो भी दे रखा है, और जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी कुछ चीजें दे रखी है, जैसे रिचार्जेबल बैटरी है जो कि मैं पहले ही बता सकता हूँ, और एक्यूरेट रीडिंग है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। और ग्लास प्लेटफॉर्म है, यानी कि ग्लास की बनी हुई है वेट मशीन, और यहाँ पर जो लार्ज डिस्प्ले भी आपको मिल जाएगा, और इसका जो है ऑन ऑफ की जो की होती है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको जैसे अगर इसकी बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पर आपको इस तरह से इंडिकेट कर दिया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा यहाँ से, थोड़ा सा भी क्या है कि टाइट है ये, तो मैं इसे इस तरह से खोल लेता हूँ। मैंने इसे खोल लिया है और ये अंदर से मैं देख लेता हूँ हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मिली है ये वेट मशीन, ये है वो वेट मशीन। तो अभी मैं रख देता हूँ इसके बॉक्स को साइड में, क्योंकि इस वेट मशीन को एक बार मैं सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद इसके बॉक्स में एक कुछ और चीजें भी हमें मिली हैं, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये है वो वेट मशीन, तो मेन हमारा लिए जो प्रोडक्ट है वो ये है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि और हमें क्या क्या मिला है इस प्रोडक्ट के साथ में। तो इस प्रोडक्ट के साथ में हमें तीन चीजें मिली हैं, एक तो है ये USB2 MicroUSB डेटा केबल, ठीक है, तो ये इसे चार्ज करने के काम में आएगी। एक है ये एक मेजरिंग टेप, जिसे आपको पता ही होगा कि आप इसे मेजर करने के काम में ले सकते हैं। और ये मिला है साथ में एक थर्मोमीटर, ये भी एक काफी बढ़िया बात है कि कंपनी ने आपको थर्मोमीटर दिया है, क्योंकि ये एक जो कंपनी है डॉक्टर ट्रस्ट, मैं इसके पहले भी काफी प्रोडक्ट्स यूज ले चुका हूँ, ये मोस्टली ये हेल्थ के ऊपर कंसंट्रेट करती है, मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ से रिलेटेड बनाती है ये, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं,
ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको दिखा देता हूँ इस वेट मशीन को बाहर निकाल के। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है वो वेट मशीन, और साथ ही में आपको मिल जाते हैं कुछ पेपर वर्क। कुछ ये बेसिक पेपर वर्क हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, यानी टोटल 2 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी। अभी मैं बताता हूँ कैसे, 1 मिनट हम देख लेते हैं और कुछ है क्या पेपर वर्क वगैरह में। यहाँ पर है इसका कुछ मेंटेनेंस वगैरह का वैसे ही कुछ दे रखा है, पावर सप्लाई वगैरह ये सब आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करने से पहले उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है वो पहले पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जिससे कि हम हमें पता चल जाए कि किस तरह से वो प्रोडक्ट वर्क करता है, क्योंकि हमें क्या है लॉन्ग टर्म यूज के लिए प्रोडक्ट चाहिए होता है, और अगर हम उसे नहीं पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन मैनुअल को तो हमारे को ही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है और खुद का भी कोई नुकसान हो सकता है। तो एक बार अगर आप प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली समझ जाएंगे तो आप उसे यूज ले पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, उनके बारे में जानकारी दी हुई है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए भी है, कई चीजें बता रखी है इन्होंने कि ये चीजें काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो चलिए रख देता हूँ मैं इन सब चीजों को साइड में और बात करते हैं इस मेन वेट मशीन के बारे में। तो देखिए ये इस तरह से कुछ ये वेट मशीन दिखती है, ये ऊपर की तरफ सारा ग्लास है, मतलब ये ग्लास की बनी हुई है। यहाँ पर साफ साफ इसकी ब्रांडिंग भी आप देख सकते हैं, डॉक्टर ट्रस्ट की ब्रांडिंग है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो वेट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इतने केजी से ज्यादा ये वेट नहीं कर पाएगी। मान लीजिए अगर आप इसके ऊपर 200 किलो वेट करना चाहें, मान लीजिए कोई इंसान 200 किलो का है वो इसके ऊपर खड़ा होगा तो ये एरर दिखाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो एलईडी लाइट जलेगी ब्लू, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी 1 मिनट आप रुक जाइए, मैं आपको पीछे से कुछ और दिखा देता हूँ इसके अंदर वो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ऑन ऑफ बटन है वो है ये, तो कुछ इस तरह से दबाने से ऑन हो जाएगी और कुछ इस तरह दबाने से ऑफ हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर आपको कुछ और भी चीजें दे रखी हैं, एरर स्केल वगैरह आपको बता रखा है, वेट रेंज आपको बता रखा है कितना है आप इसे पढ़ सकते हैं, 5 किलो से ज्यादा होना चाहिए और करीब करीब जैसे 100 किलो और ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 180 किलो जो मैक्सिमम है और बाकी 5 किलो से ज्यादा होना चाहिए तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट दे पाएगी। 5 किलो से कम रखेंगे आप वेट को तो ये प्रॉपरली रिजल्ट नहीं दे पाएगी। यहाँ पर आपको मतलब मैंने बताया था एलओ वाला जो साइन है वो होता है कि मान लीजिए अगर लो हो जाती है इसकी बैटरी तो उसके लिए होता है, और बाकी अगर कुछ एरर वगैरह इसमें आ जाता है तो उसके लिए भी होता है। यहाँ पर आपको कुछ और भी चीजें दे रखी हैं, ऑपरेटिंग स्केल और बाकी कुछ एरर कोड्स वगैरह ये भी दे रखे हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए मैं इसे एक बार ऑन कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से ये ऑन होती है। और उससे पहले एक और चीज की ये देखिए, इसके जो हम रखते हैं ना नीचे जमीन पे तो उसकी उसे रखने के लिए काफी बढ़िया चीजें दे रखी हैं, काफी बढ़िया मतलब दे रखे हैं इसके सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर आप इन्हें आसानी से रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं और ये इधर उधर नहीं होगी। मान लीजिए कई बार होता है ना कि हम किसी चीज को जमीन पे रख देते हैं अनइवन तरीके से रखी जाती है, वो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ये जो सपोर्ट दे रखा है आखिरी में ये प्रॉपरली इसे रखने देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप इसके बटन को दबा लीजिएगा, मैं अभी दबा देता हूँ और ये हो जाएगी ऑन, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसे ऑन करके, तो मैंने इसका बटन दबा दिया है और ये हो चुकी होगी ऑन। थोड़ा सा इसे केयरफुली काम करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसे एक ग्लास है ये तो वो खराब भी हो सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हो चुकी है ऑन, और यहाँ पर ये कुछ टेम्परेचर वगैरह दिखा रही है। फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है, और अभी मैंने कोई वेट इसके ऊपर रखा नहीं है, और इसकी जो बैटरी है वो अभी फुल दिखा रही है फिलहाल ये, और ये अब हो चुकी है ऑफ क्योंकि कोई चीज मैंने इसके ऊपर रखी नहीं थी। तो इस तरह से ये वेट मशीन ऑपरेट होती है। आपको जब आप इस प्रोडक्ट को लेंगे हाथ में तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, और वैसे भी आप जानते ही होंगे कि किस तरह से वेट मशीन को ऑपरेट किया जाता है। पर बात एक चीज है इसके अंदर कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये ग्लास का बना हुआ है, इसे आपको बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा। ऐसा नहीं है कि रफली आप इसके ऊपर चढ़ जाए तो ये सहन नहीं कर पाएगा, टूट भी सकता है ये। तो आप काफी आराम से इसे हैंडल करें क्योंकि आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है इसके अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे तोड़ दें, आप काफी आराम से इसे हैंडल करें। तो अब मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि क्या प्राइस है इसकी, आप इसे कहाँ से मंगा सकते हैं और क्या ये प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले मैंने जो आपको बताया था इसकी वारंटी के बारे में, जो 1 ईयर एडिशनल जो लिखा हुआ था वो किस तरह से होगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। तो जो वारंटी है उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको इसका प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन कराना होता है डॉक्टर ट्रस्ट की वेबसाइट के ऊपर। तो वहां पर वैसे तो आपको 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन अगर आप जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो अगर 15 दिन के अंदर अंदर करवा लेते हैं प्रोडक्ट खरीदने के 15 दिन के अंदर अंदर, तो आपको 1 साल की एडिशनल वारंटी भी मिल जाएगी, ठीक है। पर आप ध्यान रखें 15 दिन के अंदर अंदर, अगर नहीं कराएंगे तो एडिशनल वारंटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको वारंटी क्लेम करना होगा कभी तो आप 2 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी हो सकता है मिल जाए,
ठीक है, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, बाकी मैंने तो अमेजोन से मंगाया है, और जो इसकी प्राइस थी वो थी 1139 रुपये, यानी कि 1139 रुपीज, जो कि काफ़ी कम है इसकी जो क्वालिटी वगैरह को देखते हुए, लेकिन फिर भी हाँ, अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दे रहा हूँ, आप सिंपली जाके अमेजोन वेबसाइट पे या ऐप पे इसका नाम टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है, और आपको निराश नहीं करेगा ये इतनी आसानी से, क्योंकि डॉक्टर ट्रस्ट कंपनी के प्रोडक्ट मोस्टली अच्छे होते हैं। ठीक है, और अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है तो इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता आपको, बाकी डेफिनेटली तो मैं यही कहूँगा कि मतलब जनरली यही कहूँगा मैं कि यार डेफिनेटली आपको ये कोई परेशानी नहीं देगा। ठीक है, तो आप इसे मंगा सकते हैं वहाँ से, और अगर कोई भी आपको डाउट है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने की आप कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि काफ़ी आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर काफ़ी हेल्प करता है हमें, काफ़ी मोटिवेशन प्रोवाइड करता है हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी कोई इनकम नहीं हो रही है हमारी, जस्ट आपका जो लाइक है, शेयर है, सब्सक्राइब है, वही हमारे लिए इनकम का काम कर रहा है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे कि लोगों की भी मदद हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाएं और लाइक तो ज़रूर करके जाएं, शेयर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहते हैं किसी को किसी और की हेल्प करना तो वो आप कर सकते हैं, बाकी लाइक और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके जाएं, और शेयर भी कर ही दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी आप इनेबल कर दीजिए, जिससे कि जो भी मैं आपको और वीडियोज़ डालूँ वो भी आपको मिल जाएं, और मेरे चैनल पर मैंने जैसा आपको कहा कि दो वेट मशीन्स का मैं और भी डाल चुका हूँ वीडियो, वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ उन्हें भी एक बार देख लें और फिर आप डिसाइड कर लें कौन सा प्रोडक्ट आपको परचेज करना चाहिए, क्यों और कौन सा नहीं करना चाहिए, इसका आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा जब आप उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो करता हूँ एंड, और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग और रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, मैं डेफिनेटली आपको एक बढ़िया प्रोडक्ट लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, और कोई भी डाउट हो कमेंट में लिख देना, थैंक यू।